हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं अंकित और आज के वीडियो में हम रिएक्शन देने वाले हैं। नया टीजर आया है बस्तर का, जिसमें अदा शर्मा, जिनको आपने केरला स्टोरी में देखा होगा, वो उसमें है मेन लीड में। और सेम अगेन विपुल अमृतलाल शाह हैं इसमें और सुदीप्त सेन ने इसे डायरेक्ट किया। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चले जाते हैं सीधे रिएक्शन। पाकिस्तान के साथ हुए चार युद्धों में हमारे 8,738 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश के अंदर नक्सलियों ने 15,000 से ज्यादा जवानों की हत्या की है। बस्तर में हमारे ये रिसेंटली अदा शर्मा ने एकदम से चेंज कर दिया है अपना पूरा एक्टिंग का मेथड। जेएनयू में सोचिए, हमारे देश की इतनी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी, हमारे जवानों ऐसे लग रहा है कोई आईपीएस ऑफिसर वगैरह का है। कहां से आती है ऐसी सोच? बस्तर में भारत के टुकड़े करने की साजिश कर रहे हैं ये नक्सली, और उनका साथ दे रहे हैं बड़े शहरों में बैठे लेफ्ट लिबरल सूडो इंटेलेक्चुअल्स। इन वामपंथियों को सड़क पे खड़ा कर सरेआम गोली मार दूंगी, चढ़ा देना फांसी पर। मैं नीरजा माधवन, एन आईपीएस एट वॉर अगेंस्ट नक्सल्स। जय हिंद। बस्तर द नक्सल स्टोरी, फिल्म बाय सुदीप्त सेन। वाव। तो गाइस, जैसे बेसिकली जो थीम लग रही है इसकी, वो बस्तर नक्सलाइट समस्या पे। अब देखना ये है कि इसमें कैसा दिखाते हैं। कुछ ज़्यादा एक्सेस में ऐसा तो नहीं दिखाते जिससे स्टेट की थोड़ा छवि धूमिल होती है, तो वो सब चीज़ों को इनको करके दिखाना पड़ेगा। आपको याद होगा केरला स्टोरी आई थी तो उसमें भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, तो आई एम श्योर बस्तर में भी होने वाली है काफ़ी। बट हाँ, अदा शर्मा की एक्टिंग आपको बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी। केरला स्टोरी में भी बहुत अच्छा इन्होंने काम किया था और इसमें भी किया। मुझे तो मतलब ऐसा लग रहा है कि ये समाज के एक समस्या को टारगेट कर रही है मूवी, तो मे भी बहुत अच्छा इसका मैसेज हो सकता है। ये मूवी आएगी आपको 15 मार्च को आने वाली है फ्रेंड्स, तो इसको आप थिएटर में जाके देख सकते हैं। दैट बीइंग सेड दोस्तों, ये रिएक्शन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए। कोई पर्टिकुलर रिएक्शन चाहिए किसी वीडियो में तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।